अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉट शॉट पाकिस्तान देख रहे हैं, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज पाकिस्तान में हो रही है 7th एक एक्सपो है जनाब अली, इंडस्ट्रियल एक्सपो, और वहाँ पे हम आए हैं और मुझे ये चिंची के कुछ बाइक्स नज़र आए हैं विच एक्चुअली कॉट माई इंटरेस्ट। और चिंची के कुछ बाइक्स हम देख रहे हैं वो वाले, ठीक है। फिर देखते हैं चिंची रिक्शा, फिर लोडर, मतलब जो नॉर्मल गन वाला पाकिस्तान में चल रहा है, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। तो ये जी चिंची की EV60, अभी जो मुझे पता चला है कि इसके अंदर 1500 वॉट की एक हब मोटर है। बैक पे अगर मैं आपको दिखा सकूं तो इसके अंदर डिस्प्ले का आई हुई है विद ड्यूल पिस्टन कैलिपर्स, और जो टायर साइज इसके ऊपर आया हुआ है इंपोर्टेड टायर ही है ये, 9917 मोटरसाइकिल का टायर है, दिस इज़ अ ट्यूबलेस टायर। रेयर सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा बीफी और बड़ी सॉलिड किस्म की लग रही है। जो इसका स्विंग आर्म है, दिस इज़ एक्चुअली अ ट्यूबलेस स्विंग आर्म एंड लुक्स नाइस। यहाँ पे ये चार्ज होगी जनाब अली, ठीक है, और ये आप इसकी बैटरी का टापा खोल सकते हैं जनाब अली, अगर आपको बहुत ख्वाहिश हो रही है बैटरी देखने की, दिस इज़ समथिंग कूल। और वैसे अगर मैं आपको इस बाइक को साइड से दिखाऊं, ये इसकी लुक है ओवरऑल, EV60 इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसकी सीट जो है बहुत ही मज़ेदार किस्म का जनाब अली, इसका जो है पैडिंग हुई हुई है, जो कैरियर इसके ऊपर लगा हुआ है वो भी बहुत ही सॉलिड और बड़ा ही मतलब एक खूबसूरत प्रोडक्ट लग रहा है देखने में। अब अगर मैं आ जाऊँ इसकी मोटर के ऊपर तो 72 वोल्ट्स 2000 वाट, ठीक है, ये दो वेरिएंट्स के अंदर आया है, एक 1500 वाट की मोटर के साथ आया और एक 2000 वाट की मोटर के साथ आया है। तो 2000 वाट वाला जो है दिस इज़ गोइंग टू बी अ मस्त बाइक। और बाकी अगर मैं आपको दिखाऊँ इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, ये इसके मोड्स हैं स्पोर्ट्स और इकोनॉमी। प्रिविलेज लेते हुए इसको ऑन कर लेते हैं। यह इसका स्पीडोमीटर है, कंप्लीट बैटरी आ रही है, टेम्परेचर आ रहा है, कितने परसेंट चार्ज है वो बता रहा है, उडो पे कितना चल चुका है वो बता रहा है, पार्किंग गियर के अंदर है, कौन से गियर के अंदर है, स्पोर्ट्स मोड के अंदर चला गया ये, वापस पार्किंग में आ गया, ई में इसको कर रहा हूँ, वापस इकोनॉमी में ही आ चुका है। ये इसकी फ्रंट वाली डिस्क ब्रेक का रिजर्वायर है, और ये इसकी जनाब अली पूरी ग्रिप है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसको, इसका जो मीटर है लुक्स वेरी नाइस। ये जो दूसरी इसकी असेंबली है, इसके अंदर आपको रिवर्स का ये आर लिखा हुआ है, इससे टायर उल्टा चलने लग जाता है। यहाँ पे आपका हॉर्न आ गए, इंडिकेटर्स आ गए, लाइट हाई बीम लो बीम, और ये हैजर्ड्स की लाइट है। ये आपकी जो पिछली ब्रेक वाली लाइट है ये उसका रिजर्वायर है, और दिस इज़ बेसिकली द चिंची EV60। फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट पे इसको टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स आए हैं, ठीक है, और काफ़ी अच्छा एक साइज़ लग रहा है इसकी फोक्स का। फ्रंट टायर की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट टायर जो है दिस इज़ आल्सो 80-90-17, ये भी एक ट्यूबलेस टायर है। पेटल डिस्क दी हुई है बहुत ही बड़े किस्म के साइज़ की, और ड्यूल पिस्टन कैलिपर्स इसके अंदर भी डिस्क ब्रेक दी हुई है। फ्रंट लाइट जो है उसके अंदर आपको पता है LEDs डाली हुई है उन्होंने ऑलरेडी, ऑल LEDs के इंडिकेटर हैं, काफ़ी मस्त किस्म की एक चीज़ लग रही है। बैटरी बॉक्स जो है इसका वो काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है, इट इज़ इनक्लोज्ड, ठीक है, काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है, और लग ये रहा है कि दिस इज़ समथिंग एक्चुअली मेड विद अ लॉट ऑफ यू नो हार्ट एंड सोल। ये पाकिस्तानी तरीका नहीं हुआ कि जी फजे से बैटरियाँ पकड़ो और सजे से वो पकड़ो और जोड़ के वो कर दो, सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी नाइस यार। अभी यहाँ पे जो पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे जब पूछा कि वहाँ जी कितने का क्या हिसाब किताब, तो उन्होंने कहा कि जी भाई जी 80 तो मरदे हैं। ये इसकी पार्किंग ऑन हो गई है, ये इसकी मेन लाइट ऑन हो चुकी है, ठीक है, लुक्स वेरी कूल। और अगर इसके इंडिकेटर चलाऊँ मैं तो ये इसके इंडिकेटर ऑन हो गए बहुत आला, और दिस इज़ व्हाट इट इज़ एक्चुअली। एंड जब आप इसको चलाते हो, हमने हल्का सा थ्रॉटल घुमाया, मेरा ख्याल है सो इट वर्क्स, या आई डोंट नो कि क्या इसका सिनेरियो है। अच्छा वो पार्किंग में गया हुआ था, ओके, ये 2000 वॉट वाला है, 71 तक जा रहा है ये स्पोर्ट्स मोड के ऊपर अभी तक। वेरी नाइस, ये दो बैटरीज वाला है या एक, इसमें दो बैटरी हैं, ठीक हो गया। अच्छा ये जो लॉक दिया हुआ है, ये जो लॉक दिया हुआ है आपने, ये बैटरी का दिया हुआ है।
अच्छा मतलब बैटरी खोल कर देख सकते हैं? ओके ज़बरदस्त। ये रिमूवेबल भी, आप रिमूव भी कर सकते हैं इसको, बहुत बेहतरीन यार। और ये 26 एम्पेयर की है इसकी बैटरी, इस पे तो नहीं लिखा हुआ, बहरहाल वेरी नाइस है, बहुत आला। तो ये इनका इरादा है लॉन्च करने का, सिर्फ डिस्प्ले का यूनिट है ये? अच्छा लॉन्च भी करेंगे, चलें बेहतरीन हो गया। ये भी हमें पता चल गया कि स्वैपेबल बैटरी का ऑप्शन भी है इसके अंदर, दिस इज़ नाइस। अब आ जाते हैं थोड़े से देसी वेरिएंट्स के ऊपर, दिस मेड इन पाकिस्तान वाला वर्जन। अब मेड इन पाकिस्तान वाले वर्जन के अंदर क्या है, ठीक है आप देख लो कि ये हमारे एक और यूट्यूबर भाई हैं उमर, आपने इनको सपोर्ट करना है, ही इज़ ऑलवेज बीन अ बिग ब्रदर, और इनके चैनल पे भी माशाल्लाह ढेर सारे सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए भाइयों, ठीक है। और बड़े इन डेप्थ एनालिसिस होते हैं, बड़े मशहूर किस्म के रिव्यूज़ होते हैं इनके। चलो अब ज़रा बात कर लेते हैं कि चिंची की बाकी जो चीज़ें हैं जो इस बाइक के अंदर यूज हुई हैं। दिस इज़ अ हब मोटर, ब्रशलेस हब मोटर, ठीक है। ये बाकी डिफरेंट किस्म के स्टार्टर वगैरह पड़े हुए हैं, ये भी सेल्फ पड़ा हुआ है, ये मैग्नेट पड़ा हुआ है, ये बाकी कॉइलें पड़ी हुई हैं, और ये बाकी डिफरेंट गियर्स वगैरह पड़े हुए हैं इसके अंदर के, इस तरीके की सारी चीज़ें हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली समथिंग वेरी नाइस। और ये चिंची के QM100, बेसिकली अगर मैं इसका इंजन आप लोगों को दिखा सकूँ, दिस इज़ एक्चुअली व्हाट इट इज़, ठीक है। ये लोकलाइज्ड इंजन नहीं है, इसके पेंट की क्वालिटी से ही पता चल रहा है कि पहिया ए बार ही बन के आया है। उसके बाद हेड इसका बहुत अच्छा फिनिश हुआ है, सिलेंडर पे चत मारी हुई है उन्होंने भी, ठीक है। मतलब इट इज़ नॉट दैट मच रिफाइंड, 97 cc का ये है, मतलब 97 cm की उस पर लिखा हुआ है, इट्स अराउंड 100, 103, 105 km, 105 cc, ये इसका सीन है सारा। सिंपल कार्बी बेस्ड है, ओवरहेड कैम, एक छोटा सा इंजन है जो आप लेके, तो यही आपके 70 में लगता है, यही आपके 100 cc में लगता है। अब ये चिंची का रेगुलर 100 cc जो मोटरसाइकिल है, ये उसके स्पेक्स हैं। अब एक्सेलरेशन ये कह रहे हैं कि 70 किलोमीटर की स्पीड पकड़ती है सिर्फ 7 सेकंड में, 107 cc है, और 4 स्पीड है, बाकी रेगुलर दिस इज़ व्हाट इट इज़, सारा कुछ वही है सिंपल जैसे होता है। इसके फ्रेम पे, बल्कि एक 70 के फ्रेम के ऊपर बनी हुई ईवी कैसी होती है और उसमें और दूसरी में क्या फ़र्क है? दिस एक्चुअली लुक्स लाइक दैट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना एज वेल, और इसके अंदर भी पीछे एक हब मोटर है विद अ डिस्क ब्रेक, एंड देयर इज नथिंग मच टू इट, इसके अलावा और कुछ है नहीं जिसकी बात की जा सके। ये इसका हैंडल है, मीटर लुक्स नाइस। फिर हमारे लोकल भाई जो हैं वो रेट शेट बताते हुए थोड़े घबराते भी हैं। खैर दिस इज़ फाइंड ऑफ द डे उमर भाई जी, दिस इज़ फाइंड ऑफ द डे। इस पूरी एक्सपो पे एक स्टॉल ही हम लोगों को मिला है, और मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू उमर भाई चैनल, ठीक है। और ये सारा सिनेरियो है उमर भाई। अच्छा आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर? लुक्स वेरी यार, इसका ना बेसिकली ना एक तो पहली बात ये कि जो आपकी ना स्कूटीज आई हुई, यस, फिर आपकी एक विलेक्ट्रा आई है, बिल्कुल आई है, ठीक है। उसके अलावा आपकी बीच में ये जोल्टा वोल्टा हो रही है, बिल्कुल देसी काम हो गया। ये जो है ना, इट इज़ अ प्रोडक्ट इन इट्स ओन, यस। इसका डिज़ाइन फीचर्स अनऑर्थोडॉक्स आई है, और मतलब ये कि ओरिजिनलिटी, यस, ओरिजिनलिटी लगती है ना इसमें। अच्छा हाइट में भी मैं नोट कर रहा था कि ऑल दो स्टैंड पे लगी हुई है, पर थोड़ी सी टॉल है ये, हाँ, एंड आप इस पे बैठेंगे ना तो आप थोड़ा टॉल होंगे, इस सॉर्ट ऑफ YBR-G टाइप की कोई चीज़ उसकी लगी है ना। ओवरऑल पैकेज अच्छा है, इसकी बिल्ड क्वालिटी ज़ाहिर है CBU यूनिट है, बहुत अच्छी है, बट अब देखना ये है कि ये प्राइस क्या निकालते हैं, क्योंकि लिथियम आइन है, ग्रेफाइन वाली नहीं है। बकौल क्लेम वो ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल जो जैसा गाड़ियों में लिथियम आइन होती है वो है, ठीक है। मैंने उनसे 2-3 दफ़ा पूछा। अब प्राइस बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर CBU हो ना तो भाईजान ये होगी कोई 3.5-4 lakh, हाँ इतने की होगी, इतने की होगी। अब अगर जब ये CKD में आती है तो उसकी लोकलाइजेशन कितनी करते हैं, तो मतलब ये वो वाली कहानी नहीं है जो वो EV के वो स्कूटर आ रहे हैं ना 1-1.5 lakh वाले, हाँ ये वो कहानी नहीं है, ये
क्वालिटी प्रोडक्ट है, ब्रांड नेम पे ना जाएं। बिल्कुल, यहाँ पे वो रिक्शे बनाते रहे हैं और वो 3D 70 बनाते रहे, मगर ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है उनकी, चाइना की। बिल्कुल, और क्वालिटी प्रोडक्ट है मेरे ख्याल। लेट्स सी, ओनली टाइम विल टेल, और कंपनी कितनी सीरियस है इस प्रोडक्ट को पाकिस्तान में लाने के लिए। अगर कंपनी को अभी भी लगता है कि इस पर एफर्ट पुट करनी पड़ेगी तो अल्लाह ही हाफिज है उनका, क्योंकि मौका भी है और दस्तूर भी है, लोग भी ले रहे हैं ईवीज, आपने क्वालिटी की प्रोडक्ट देनी है। विद दैट सेड, थैंक यू वेरी मच, विल सी यू लेटर इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह, बाय।